अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। ईद उल फितर की आज चांद रात है और मैं क्या करने लगा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, फिलहाल चांद मुबारक, लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे तो तब ईद हो चुकी होगी। तो मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को ईद उल फितर बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आप लोगों ने रोज़े रखे, अल्लाह पाक आप लोगों के रोज़े और आपकी इबादत को कबूल फरमाए और आपकी इस ईद को आपके लिए खुशियों का बायस बनाए। तो आज के इस व्लॉग में क्या होने वाला है मैं आपको भी बताता हूँ। हमारे घर में पिछले काफ़ी सालों से, जब से मैंने हुसैन बल्ला, इसी तरीके की सेवइयाँ बन रही हैं कि सेवइयों को उबाला जाता है, ठीक है, ऊपर दही डाला जाता है और उसके साथ शक्कर डाल दी जाती है। तो आप कह सकते हो कि पिछले 6-7 सालों से मैंने ईद तो मनाई है, लेकिन ईद पर ये वाली सेवइयाँ नहीं मैंने खाई, क्योंकि मुझे इस तरह की सेवइयाँ खाना पसंद नहीं है। तो बाद दफ़ा इस तरह भी हुआ है कि मेरी फरमाइश पे या सिर्फ मेरे लिए दूध वाली सेवइयाँ बनी है, लेकिन इस दफ़ा मैं कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। वो तो मैंने इस दफ़ा क्या किया कि मैंने YouTube से एक रेसिपी देखी लब्बे शरीन की और मैं उसका सारा मटेरियल ले आया हुआ हूँ, ठीक है। वो मटेरियल लेते हैं और अभी टाइम हो रहा है 9:08, तो उस रेसिपी को बनते काफ़ी टाइम लगेगा और अगर मैं सुबह बनाना शुरू करूँगा तो फिर ईद की नमाज भी निकल जाएगी और काफ़ी लेट भी हो जाएगा। के साथ जो मतलब कज़नों के घर हैं इस तरह उनके घर में भेजनी है, तो अभी मैं सोच रहा था कि रात को बना लेता हूँ ताकि सुबह तक वो ठंडी भी हो जाएगी और सुबह टाइम पे उनके घर देंगे और साथ में ईद की बाकी तैयारी में जो है इजीली हो जाएंगी। तो फिर अभी उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। साथ में हमारे इधर वसीम भाई हैं, ये हमारी थोड़ी हेल्प करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और इस तरफ हमारे पास जो है वो ये एक अजूबा सा है, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, आपका नाम क्या है? ये हमद है, ठीक है, और ये हमारी हेल्प करेगा, सही है। तो अभी हम बातें करने में हेल्प करेगा, बातें करने में हेल्प करेगा, वैसे कोई नहीं, मीठी सुनोनी बातें होती है ना, हाँ। गली मोहल्ले की, उसमें हमारी हेल्प करेगा और बाकी तो कोई काम इसने करना नहीं है। तो अभी हम जनों रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। करें, वैसे आपको पता है रेसिपी क्या है? कौन सी सेवइयां? कुछ अलग बनेगा? नहीं नहीं, दूध वाली नहीं, सब कुछ अलग बनेगा। तो चलिए शुरू करें, आइयो फिर। तो अभी हमने जो है वो दूध 3 लीटर दूध जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है और इसी दूध में से थोड़ा सा दूध जो मैं लूँगा कस्टर्ड का जो टेस्ट जो है उसकी बनाने के लिए। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं ठंडा दूध निकाल रहा हूँ, अभी उबाल नहीं आया, तो इस दूध को जो है उबलने के लिए रख देता हूँ और इस वाले दूध में हम ये जो कस्टर्ड है ना बनाने वाला ये ऐड करेंगे। तो जितनी भी चीज़ें इसमें जाएंगी वो सारी जो ना हम तोल के यानी कि मेजर करके फिर डालेंगे। तो उसके लिए मैंने ये मेजर के लिए ले लिया स्केल और अब हम इसमें डालने लगे हैं कस्टर्ड। तो सारी चीज़ें मेजर करने का मकसद ये है कि मतलब जिसकी रेसिपी मैंने कॉपी की है वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह की चीज़ बने, कोई कमी पेशी ना रह जाए, क्योंकि बार बार बनाने वाली रेसिपी नहीं, एक दफ़ा में सारा कुछ चाहिए। तो यहाँ पे मुझे चाहिए 90 ग्राम जो ना वो कस्टर्ड चाहिए, तो मैं 90 ग्राम जो ना तोल के ले लेता हूँ। 82 और 45, 86 और 90, 91 हो गया, लेकिन खैर इतने की चल जाएगा। फाइनली सारी चीज़ें, इस तरफ हमारा कस्टर्ड, केला, रंग बिरंगी सेवइयाँ, ये जेली और साथ में ये हमारा कॉकटेल, ये सारी चीज़ें रेडी हैं। तो अब हम अपने कस्टर्ड में ये सारी चीज़ें डाल दें। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है, तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा कॉकटेल और फिर आएगा हमारा ये बनाना कटा हुआ, और ये हमारी उबली हुई जो रंग बिरंगी सेवइयाँ हैं वो जाएंगी, इनको हम इतनी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं और बाद में हम डालते हैं अपनी जेली इसमें। तो अब जाएगी हमारी ये जेली,
ये थी हमारी बनाना फ्लेवर वाली और ये है हमारी मैंगो फ्लेवर वाली। और जेली हमने थोड़ी सी मज़ीद जो है बना के फ्रिज में रख दी है, वो हम बाद में इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये थोड़ी है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 6:45 और ईद की नमाज़ पढ़ी जाएगी 7:30 पे, तो हमें ईद की नमाज़ के लिए तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तैयारी करते हैं और फिर नमाज़ पढ़ने चलते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 7:25, 5 मिनट रह गए नमाज होने में और यहाँ पे हम हामिद और तकीर मेरे साथ और हम नमाज पढ़ने जा रहे तो ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद हम चले गए थे कब्रिस्तान में दुआ मांगने और उधर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को मिला और अब हम जा रहे हैं घर। घर जाके आपको वो खुलाएं जो रात का बनाया हुआ है? हाँ, वो तो हमें याद ही नहीं है, वो टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं क्योंकि रात को गर्म था थोड़ा और अब सही ठंडे वाला हो गया क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था ना। अभी वो ठंडा कर लेंगे हम। ठंडा कर लोगे? हाँ ना। और साथ में हमने गरीबों की मदद भी करनी है, इस तरह के जो गरीब है ना इनकी मदद भी करनी है। अल्लाह आपको और मजीद, ये ईदी मांग रहे हैं और हमने इनकी मदद करनी है। अल्लाह मजीद तौफीक दे थोड़ी थोड़ी। हम सही भी ईद मुबारक। कितनी ईदी दोगे मुझे? आपने देनी है? नहीं नहीं, आप मुझे कितनी दोगे? मैं यही 10 रुपए दे दूंगा। हाँ तो मैं भी आपको 5 दे दूंगा। नहीं भाई, आपने ज्यादा देनी है। क्यों ज्यादा देनी है? नहीं जी। तो अभी ये जो लबेशीरी रात का बनाया हुआ था ये ठंडा हो चुका है, हम ये ट्राई करते हैं मैं और वसीम भाई। और काफ़ी सालों के बाद ये हो रहा है कि मैं ईद के मौके पे सुबह के टाइम पे कुछ मीठा खा रहा हूँ। ये तो घर वाले वो शादी वाली सेवइयां बनाते थे और वो बस देखते ही रहता था, खाता नहीं था मैं। कैसा टेस्ट है? ज़बरदस्त, आप भी चेक करें। अच्छी बनी हुई है ना? अच्छी बनी, पहली दफ़ा रेसिपी बनाई है लेकिन ज़बरदस्त बन गई है, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये है कि काफ़ी सालों के बाद मैं ईद के मौके पे सुबह के टाइम कुछ खा रहा हूँ, नहीं तो मैं जो ना दोपहर का वेट करता कि दोपहर कब होगी और घर वाले कब कुछ सालन वगैरह बनाएंगे और मैं खाऊंगा। तो यहाँ पे वसीम भाई बच्चों को मिल रहे हैं और साथ में अपना व्लॉग शूट कर रहे हैं। ये छोटे बच्चे आए हैं ईदी मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तो दूसरी तरफ सीम भाई फोटोशूट कर रहे हैं और मैं जो ना जिन बच्चों को ईदी देनी है ईदी देता हूँ और दोपहर को खाने वगैरह का अरेंज करेंगे। भूख लगी है वैसे क्योंकि पहले रूटीन बनी हुई थी सहरी के टाइम पे खाना और सारा दिन मतलब भूखे रहना, रोज़ा रखना और अफ्तार के टाइम पे अफ्तारी करना, लेकिन क्योंकि सहरी नहीं की तो इस वजह से ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो ईदी देते हैं बच्चों को और दोपहर के खाने का कुछ करते हैं और उसके बाद दोस्त आते हैं मिलने या हम दोस्तों को मिल जाते हैं, वो सारा कुछ आपको दिखाएंगे।
ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਫੇਰਾ तो अभी इस तरफ वसीम भाई हैं और यहाँ पे हैं तैयब भाई। तो हम जो ना वो दोपहर का लंच करने लगे हैं। टाइम हो गया है जी 3:05 और सुबह का कभी किसी के घर जाओ कभी किसी के घर जाओ, वहाँ से बोतल या पकौड़े या बिस्किट वगैरह इसी तरह की चीज़ें मिल रही हैं, तो उसी के साथ गुजारा हो रहा था। लेकिन अब खाना बने तो खाना खाने लगे और साथ ही इस व्लॉग को हम एंड करते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया और मैं सोच रहा था कि इस व्लॉग को आज ही अपलोड कर दूँ। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, नीचे अच्छा सा कमेंट कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ भाई। अल्लाह हाफिज़। भूख लगी हुई है इसको बड़ी, चार लगी।